हेलो एवरीवन तो आज हमारा नया टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाइज देखें या फिर प्रैक्टिकल वाइज देखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो रखा है लोकल रूट और सिस्टमिक रूट देखिए अगर कोई ड्रग पूरी बॉडी में ट्रैवल ना करके जहाँ पे हमारी मेलेगनेंसी है या फिर इन्फेक्शन हो रखा है या जो भी कोई प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पे एक्शन करें सिर्फ वहीं पे जाए तो उसको उस रूट को बोल देते हैं हमारा लोकल रूट और अगर जो ड्रग है पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है तो उस रूट्स को बोल देते हैं सिस्टमिक रूट तो इस वीडियो में आपको लोकल रूट्स बताऊँगा और सिस्टमिक रूट का भी एंट्रल पार्ट बताऊंगा बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पेरेंट्रल पार्ट पढ़ेंगे तो लोकल रूट्स में आ जाते हैं हमारे टॉपिकल डीपर टिश्यूज और आर्टीरियल रूट्स इन इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा अभी अब देखिए एंट्रल और पेरेंट्रल में डिफरेंस समझ लीजिए अगर हमारा जो ड्रग है हमारी जो ड्रग है अगर वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है थ्रू एलिमेंट्री कैनाल तो वो आ जाएंगे हमारे एंट्रल में और अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ड्रग जा रही है वो विदाउट एंटरिंग द एलिमेंट्री कैनाल है तो वो हमारे पेरेंट्रल में आ जाएंगे तो एंट्रल में भी है हमारे ओरल सब रेक्टल तो स्टार्ट करते हैं हमारे लोकल रूट्स लोकल रूट्स में पहला है हमारा टॉपिकल देखिए अगर हम किसी ड्रग को एक्सटर्नल सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा टॉपिकल आ जाएगा जैसे हमें स्किन पे इन्फेक्शन हुआ या फिर कोई इन्फ्लामेशन हुआ है नेजल म्यूकोसा में इरिटेशन हुई है आईज में इरिटेशन ईयर कैनाल एनल कैनाल या फिर वेजाइना में हमें कोई प्रॉब्लम हुई है इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसको टॉपिकल उसमें ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो देखिए अब आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्प्रे लोशन ऑइंटमेंट क्रीम पाउडर ये सब यूज करते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था इनके बारे में डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग्स और आईज और ईयर कैनाल के, के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं लोजेंजेस थ्रॉट इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं और सपोजिट्रीज हमारे एनल कैनाल और वेजाइना के लिए यूज करते हैं अब नेक्स्ट आते हैं हमारे डीपर टिश्यूज में अब देखिए जैसे आपकी कैविटी है नी ज्वाइंट की कैविटी है या फिर आपकी आई आई की जो कैविटी है अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो अगर आप पूरी ब्लड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आप कोई ड्रग देंगे तो वहां पे बहुत ही कम ड्रग पहुंचेगी और वो टाइम भी बहुत ले लेगी तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली नीडल या फिर सिरिंच के थ्रू जो ड्रग को है वो डिलीवर कर देते हैं तो डीपर टिश्यूज में कैविटेटरी एग्जाम्पल में बहुत फेमस एग्जाम्पल है नीज का पेन होता है आर्थ, आर्थराइटिस के केस में हाइड्रोकोटिसोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है नी ज्वाइंट में बाकी इंट्रा पेरिटोनियल इंट्रा प्लूलर लंग्स की जो प्लूलर प्लूरल कैविटी होती है वहां पे ये इंजेक्शन इन, या फिर सीरेंज के थ्रू ड्रग दी जाती है नेक्स्ट आता है हमारा आर्टीरियल रूट देखिए अगर हमारी लिम में कोई मेलिग्नेंसी होगी सपोज यहां पे कोई मेलिग्नेंसी हो गई तो हम क्या करते हैं ब्रेकल आर्टरी में हम ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे तो अब आप कहेंगे ये तो सिस्टमिक पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो जाएगी पहले ब्रेकेल आर्टरी मोस्ट ऑफ द ड्रग कहाँ पे डिलीवर कर देगी जहां पे मेलिग्नेंसी है इसलिए पूरे ब्लड में ड्रग सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगी मोस्ट ऑफ द ड्रग 99% परसेंट जो ड्रग है वो सारी लिम में ही सर्कुलेट हो जाएगी तो ये हमारे हैं लोकल लूट्स नेक्स्ट हमारे आते हैं एंट्रल लूट्स सिस्टमिक में एंट्रल रूट सबसे पहला है ओरल अब देखिये ओरल माउथ है तो माउथ माउथ में देंगे तो ड्रग माउथ में जाके स्टमक में जाएगी अब ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल चलेगा अब स्टमक से जो अगर ड्रग है म्यूकोसल बैरियर को क्रॉस कर लेगी पोर्टल वेन में और पोर्टल वेन के थ्रू चली जाएगी लिवर में और लीवर में होगा ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अब देखे आप आगे पढ़ेंगे फर्स्ट पास मे, मेटाबोलिज्म क्या होता है अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए जो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होता है किसी भी ड्रग का वो मेटाबोलिज्म ऑफ द ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं तो अब ड्रग का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो गया फिर वो इन्फीरियर वेना कैवम में जाएगी देन हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी और जहां पे उसको एक्शन करना एक्शन कर देंगे अब इस रूट के कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं तो एडवांटेज देखते हैं तो देखिये सबसे पहले आप तो इतना सोच के लिख सकते हैं कि ओरल जो मेडिसिन होती है वो चीप होती हैं और हमें सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मेडिसिन लेने के लिए और बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म कैन बी गिवन और हमें जो ड्रग होती है उसको स्टेडलाइज करने की भी जरूरत नहीं करती है अब डिसएडवांटेज अब देखिए अगर कोई एमआई का पेशेंट आया या फिर एंजाइना का पेशेंट आया तो आप उसको ओरली मेडिसिन नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें सबलिंगल देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं क्योंकि उस एमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल नहीं होती है नेक्स्ट है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए ओरल रूट बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है नेक्स्ट कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम से फेमस एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन जो कि स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है नेक्स्ट इज हमारा सब या फिर बकल अब देखिए इसका रूट जो है ड्रग के अंडर हम इसको पुट करेंगे फिर वो ड्रग एब्जॉर्ब होके सबलिंग्वल वेन में जाएगी सबलिंगुअल वेन के थ्रू सुपीरियर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा से हार्ट और फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी अब इस जो हमारा रूट है इसका एडवांटेज क्या है बहुत तेज एब्जॉर्बन होता है क्योंकि हमें डायरेक्ट हमारे सुपीरियर वेना कैवा में चली जा रही है और इस केस में लिवर बाईपास हो जाता है तो जो ड्रग है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा तो डिसएडवांटेज क्या है देखिए हमारा सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही यूज हो सकती है इस केस में बहुत फेमस एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है हमेशा आपके हमेशा काम आएंगे पूरी लाइफ में तो ये है आइसोसॉरबाइड मोनोनाइट्रेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था एम आई पेशेंट अगर कोई आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं सबलिंगली आइसोसॉरबाइड मोनोनाइट्रेट टैबलेट दे देते हैं और एंजाइना पैक्टोरिस के केस में ग्लिसल ट्राइनाइट्रेट तो मोस्टली ट्राइनाइट्रेट के जो सॉल्ट होते हैं वो हार्ट uh, डिजीज में यूज होते हैं नेक्स्ट इज हमारा रेक्टल अब देखिए अगर हम एनल कैनाल में कोई ड्रग देंगे तो एनल कैनाल में 50 परसेंट चांस होते हैं वो इंटरनल वेन में जाए ड्रग और फिफ्टी परसेंट 50 -50 जाती है ऐसा थियोरेटिकली माना जाता है लेकिन इस वाले रूट का मोस्ट डिसएडवांटेज यही है कि एब्जॉर्ब इज अनप्रिडिक्टेबल कि हम प्रेडिक्ट कर सकते कि इंटरनल हिमेरॉयडल से कितना जा रहा है और एक्सटर्नल से कितना जा रहा है तो ड्रग जो है पहले एनल कैनाल में जाएगी देन एक्सटर्नल हिमोराइडल वेन अगर ड्रग एक्सटर्नल हिमोराइडल वेन के थ्रू गई तो वो डायरेक्ट आईवीसी में जाएगी और फिर हमारे हार्ट में और देन पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी और अगर इंटरनल हिमोर वेन में जा रही है तो ड्रग पहले लिवर में जाएगी देन देन लिवर में में ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा वो आईवीसी आएगी देन हार्ट में जाएगी और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो इसका एडवांटेज क्या है अब देखिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें अटैक्स पड़ते हैं सीजर्स पड़ते हैं तो उस केस में बच्चों को जो मतलब फीवर की वजह से होता है तो उस केस में डायजीपॉम और पैरासिटामोल सपोजिटरी देखिए सपोजिटरी रेपिड एब्व फ्रॉम द रेक्टम इन चिल्ड्रन तो इस वाले टॉपिक में इतना ही है तो ये फर्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पेरेंटल रूट के बारे में बताऊंगा दिस इज ऑल अबाउट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थैंक यू अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू